मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रदेश में आपदा की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलों के डीएम से उनके क्षेत्र में नदियों के जलस्तर, लैंडस्लाइड, बंद सड़कों, जानमाल की क्षति आदि के साथ ही मुआवजा वितरण की जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम एसपी को आपदा से निपटने के लिए क्षेत्र का दौरा कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। साथ ही सड़क भी जल्द खोले जाने की व्यवस्था को कहा। सीएम ने सभी विभागीय प्रमुखों को आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी स्थिति नियंत्रण में है, चुनौती लगातार बनी हुई है, इसके लिए हर समय अलर्ट और एक्टिव मूड में रहने की जरूरत है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पताल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और की तैनाती के साथ पर्याप्त दवाएं की व्यवस्था और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। जिले के अधिकारियों के साथ आज मानसून को लेकर और जो रेड अलर्ट और मानसून की चेतावनी है मौसम विभाग की, उसको लेकर समीक्षा करी है और सभी अधिकारियों को कहा है कि सब लोग लीड लेकर जनता के सहयोग के लिए ऐसे समय में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उपस्थित हों, वहाँ पर जाकर लोगों को सहायता करने का काम करें और जैसी देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकता हो वहाँ पर यथासंभव काम करने का हर तरह से प्रयास करें और शासन के लोग भी जो है, क्योंकि यहाँ से जो धन आवंटन इत्यादि होना है वो सभी होगा।